मॉर्निंग. आज 75 डेज हार्ट चैलेंज की 17th नंबर डे है. आज का डेट 1 नवंबर एंड टाइम 8:34 हो चुका है. देखते देखते हम 16 डेज कंप्लीट कर चुके हैं एंड हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. मैं आपको दिखाऊंगा भी, जैसे कि मेरा गोल था, मैंने पहला वीडियोस बनाया था उनमें मैंने डिस्कस की कि मेरा जो गोल है कि आफ्टर 75 डेज मैं क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता हूँ, वो मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है 16 डेज में. चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं ड्रिंक के साथ. तीनों ड्रिंक्स हमारा रेडी हो चुका है. ये सबसे पहले मैं अभी लेने वाला हूँ चिया सीड एंड कोकोनट वाटर, अभी फ्रीज में रहेगा. एंड ये है व्हे प्रोटीन, मैं जिम के टाइम कंज्यूम करता हूँ. रोज सुबह नारियल पानी चाहिए होता है, दैट्स व्हाई इतना सारा. तो अभी मैं चिया सीड ड्रिंक को खत्म करूंगा एंड देन सीधे चलेंगे जिम की. अभी टाइम है 9:20 हो चुका है. मार्केट ओपनिंग के साथ साथ हम भी स्टार्ट कर रहे हैं जिम. सबसे पहले हम रन कंप्लीट करेंगे. बेसिकली जब हम स्टार्ट किए थे 16 डेज एगो तब टाइम लग रहे थे अप्रॉक्स 15-16 मिनट. सो लेट्स सी कि आज कितना टाइम लगते हैं 2 किलोमीटर कंप्लीट करने में. तो 13 मिनट 13 सेकंड के आसपास लगा 2 किलोमीटर कंप्लीट करने में. अभी हम 400 स्किपिंग करेंगे, लेकिन हमेशा मैं 800 या 1000 रिपीटेशन लगाता हूँ स्किपिंग का. जैसे कि जब हम प्लानिंग किए थे, स्टार्ट किए थे राइट 50 पुशअप, लेकिन अभी मैं 100 पुशअप लगाता हूँ एंड देन पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज करता हूँ. जैसे कि आज मैं चेस्ट मारने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. अप्रॉक्स 50 मिनट्स हो चुके हैं. अब हम चेस्ट वर्कआउट की ओर आगे बढ़ेंगे एंड सबसे पहले फ्लैट बेंच प्रेस, देन इंक्लाइन एंड डंबल फ्लाइज. 3 सेट्स करके 12-15 रेपिटेशन मारने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा स्ट्रेचिंग के साथ हमारे एक्सरसाइज खत्म होते हैं. अभी टाइम देख सकते हैं 11 बजने वाला है. 74 बहुत कोशिश के बाद इनको 70 के नीचे लेके जाना है. सबसे पहले मैं नारियल पानी पीऊंगा एंड देन यहाँ पे स्मूदी है बनाना. इस शेक के अंदर बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, दैट्स व्हाई मैं स्मूदी के बाद इसको खाऊंगा एंड उसके बाद गिरना पर लेके चलेंगे ऑफिस. ब्रेकफास्ट के बाद सीधा ऑफिस आ गया एंड बाइसेप दिखाते हुए मैंने काम पर लग. अमेजन से मैंने 2 किलोग्राम कैपेसिटी का एक फायर एक्सटिंग्विशर मंगाया था और रिसीव हो चुका है. तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं. ये 2 kg कैपेसिटी का है, प्राइस 49. ये क्लम यूज करने से पहले सेफ्टी नॉब को हटाना पड़ेगा. सेफ्टी नॉब हटाने के बाद सिंपल हम इस तरह ये देखिए प्रेस करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं इफेक्टिवली. सर रेट में ड्रॉप हो जाने के बाद हमको यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है. कितना इफेक्टिव है देखने के लिए सिंपल हम यहाँ पे छोटा सा बंदोबस्त कर रहे हैं एंड सेफ्टी नॉब हटाना है और किस तरह यहाँ पे पकड़ के जस्ट अप्लाई करना है, बस टारगेट है. छोटी सी आग को ये 1 सेकंड में बंद कर दिया और सारे जगह पर पाउडर पाउडर.
किसी सेफ प्लेस पर रखने से पहले इस तरह इसको लगा लीजिए। चलो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अमेज़न से हाँ मैं एक सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड मंगाया था, उन्हीं का टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। फ्यूचर में इन्हीं को इस्तेमाल करके हम वीडियोस बनाएंगे। ऑफिस से वापस आने के बाद मैंने यहाँ पे 3-4 टाइप्स के सीड पीनट के साथ और उसके साथ मैंने थोड़ा लेमन एंड सॉल्ट मिक्स करके एक चाट बनाया। अभी इसको मैं खाने वाला हूँ। सो आज की सारे काम हो चुके हैं, मैं अभी जस्ट फाइनली हमने 15 पेजेस कंप्लीट कर लिया है। सो डिनर के लिए अभी मैं मिल्क के साथ स्क्रैम्बल एग, 3 पीस ब्रेड एंड 2 पीस चिकन। अब हम 7 डेज के इंटरवल में वीडियो बनाएंगे क्योंकि सेम पैटर्न सेम रूटीन है, हम नहीं चाहते हर दिन वीडियोस पोस्ट करना।